हेलो एंड वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। मैं हूं रोहित आरप और आप मेरे साथ EEE सेकेंड पढ़ते हैं। तो बच्चों, EEE सेकेंड इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टीमेशन सेकेंड में आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 3 EEE सेकेंड का तीसरा चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है लाइटिंग स्कीम्स। अभी आप सोचेंगे कि सर, आपने सिलेबस में तो कुछ और नाम बताया था, अभी आप चैप्टर का कुछ और नाम बता रहे हैं। तो आपको याद होगा, सिलेबस में इसका नाम था स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ लाइटिंग स्कीम, यही था ना, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ लाइटिंग स्कीम। तो वही है बच्चों, लाइटिंग स्कीम का ही डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर लाइटिंग स्कीम को ही डिटेल में समझाएंगे। और आज के लेक्चर में जो ये बोर्ड पर लिखा गया है, इसके अलावा भी बहुत काम की चीज़ें हैं। साथ ही साथ जितना ये बोर्ड पर लिखा है ना, उतना ही इतना ज़्यादा काम का है कि आपके 6th सेमेस्टर में होने का आपको एहसास करा देगा। आज ये आपको बता देगा कि आप 6th सेमेस्टर में रहना डिज़र्व करते हैं या नहीं डिज़र्व करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर नंबर 3 EEE सेकंड का चैप्टर का नाम है लाइटिंग स्कीम्स। बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को हो सके सब स्टूडेंट से शेयर करना, क्योंकि बहुत काम की क्लासेस हैं। साथ ही आपको अगर फ्री PDF नोट्स के लिए चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, जिससे कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर के किसी भी प्रकार की क्वेरी या नोट से संबंधित कोई भी सवाल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 3 लाइटिंग स्कीम। तो गाइस, लाइटिंग स्कीम को जानने से पहले आप एक बात जान लो, आप पहले ये जानो कि लाइट क्या होती है। तो आप मुझे बताओ कि लाइट क्या होती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लाइट की, किसकी बात कर रहे हैं? लाइट की। लाइट जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रकाश। क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है हिंदी में लाइट को। लाइट को हिंदी में क्या कहा जाता है? लाइट को हिंदी में प्रकाश कहा जाता है। तो ज़रा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लाइट की डेफिनेशन दे सकते हैं अभी तुरंत? देखिए, 6th सेमेस्टर में आ गए हैं और लाइट शब्द हमने अपने मुंह से लाखों बार बोला होगा, मोर देन मिलियंस ऑफ टाइम्स हमने अपने मुंह से लाइट शब्द निकाला होगा। क्लियर ना ये वाली बात? लेकिन तब भी आप उस लाइट को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। सोच लो बच्चों कि आप कैसी पढ़ाई अभी तक करके आए हो। कोई बात नहीं, अभी आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ गए हो, यहाँ आपको हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी। चलिए लाइट के बारे में बता देता हूँ, अगर आपको आता है तो आप तुरंत जाके कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अब मैं लाइट के बारे में आपको बताता हूँ लाइट क्या होती है। तो बच्चों, लाइट एक ऊर्जा का ऐसा प्रकार है जो वस्तुओं को या व्यक्तियों को देखने योग्य बनाता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स द थिंग्स विजिबल टू अस। समझ में आ गई बात? कि लाइट यानी कि प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा प्रकार है जो वस्तुओं या व्यक्तियों को देखने योग्य बनाता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स द थिंग्स विजिबल टू अस। द सिंपल एंड एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ लाइट, एकदम सिंपल और सही परिभाषा है प्रकाश की जो मैंने आपको बताई। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके थ्रू हम चीज़ें देख सकते हैं, वो लाइट है। अभी जब हम बोलते हैं लाइट, तो बच्चों सबसे पहले आपके मन में वो ट्यूबलाइट, जैसे इधर मैंने ट्यूबलाइट लगा रखी है, इधर मैंने ट्यूबलाइट लगा रखी है, यहाँ मैंने ट्यूबलाइट लगा रखी है, तो हमारे मन में, आपके मन में सब, जैसे मैंने बोला लाइट, मतलब वो लाइट वाला बल्ब हमारे दिमाग में एकदम से उठ जाता है। लेकिन गलत है, लाइट का मतलब सिर्फ लाइट वाले बल्ब से नहीं है। और पहली बात तो, जो LED बल्ब हैं, जो ट्यूब लाइट हैं, वो कोई लाइट नहीं है। दीज आर लाइट सोर्सेस, आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेस। वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट खुद नहीं है, वो खुद कोई लाइट नहीं है। दीज आर द लाइट सोर्सेस, वो केवल प्रकाश के स्रोत हैं, और वो भी कृत्रिम स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्सेस हैं। यार लेक्चर बहुत काम का होगा, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में तो अभी छोड़ कर चले जाना।
वरना ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनना आखिर तक, जाओ गारंटी दे रहा हूँ आप अपनी नॉलेज पर अभी तक किशक करने लगो कि कहाँ जी रहे थे हम लोग, कुछ पता ही नहीं था अभी तक तो हमको, ठीक है नहीं। तो ये जो हम ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब या बाकी किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में हमारे दिमाग, जब मैंने बोला लाइट और आपके दिमाग में यदि कोई भी ऐसी डिवाइस उठ के आ गई है जो लाइट प्रोड्यूस करती है, समझ लेना वो गलत है, वो लाइट नहीं है। लाइट सोर्स हो सकता है और उसके द्वारा निकलने वाली ऊर्जा वो लाइट है, लेकिन वो लाइट नहीं है। जो ट्यूब लाइट है वो कोई लाइट है, वो लाइट सोर्स कहेंगे उसको, ऊर्जा का, प्रकाश का स्रोत है वो। जो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है, बिजली से चल रही है, तो क्या काम कर रही है? आपको आइंस्टीन का एक ऊर्जा सिद्धांत पता होगा जिसमें ये कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, सुने होंगे ना आप लोग। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ही पूरी दुनिया चल रही है। अब यार मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ानी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाना पड़ता है, मैकेनिकल भी पढ़ाना पड़ता है, सिविल, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब पढ़ाएंगे आपको। तो आइंस्टाइन के एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ये कहा जाता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस ऊर्जा के एक प्रकार को दूसरे प्रकार में परिवर्तित किया जा सकता है। इट मीन्स टू से दैट वी कैन नॉट प्रोड्यूस द एनर्जी एंड ऑल्सो वी कैन नॉट द डिस्ट्रॉय ऑल्सो वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी, वी कैन ओनली कन्वर्ट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर फॉर्म। क्लियर ना, कि वो एनर्जी के किसी भी फॉर्म को हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना तो हम एनर्जी को कभी जनरेट कर सकते ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय, इट मीन्स टू से ख़त्म, ना तो एनर्जी को कभी ख़त्म किया जा सकता है और ना ही कभी एनर्जी को उत्पन्न किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है। तो हम क्या है, अगर मैं बोलूं कि जो लाइट सोर्स है वो आपकी लाइट एनर्जी को जनरेट करते हैं तो वो गलत होगा। दरअसल वो किसी भी प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अभी हम इन ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब्स या एनी अदर इलेक्ट्रिकल लाइटिंग अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल लाइटिंग डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो बिजली से चल के हमें रोशनी देती हैं, लाइट प्रोड्यूस करती हैं। तो वो करती क्या है, आपको पता होगा कि उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम फ्लो करा रहे हैं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होके लाइट एनर्जी में हमको मिल रही है। कॉन्सेप्ट देखो यार, बहुत काम का है भाई। पता नहीं क्यों तब भी आप लोग क्लासेस देखने में इंटरेस्ट नहीं लेते हो, ये अपना दुर्भाग्य कहना और सौभाग्य कहना कि हम पढ़ा रहे हैं आपको इतना डीप में। खैर आपका मन है, आप कितने मन से पढ़ना चाहते हैं, मेरा काम पढ़ाने का है, मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा बच्चों आपको, ठीक है। आप सपोर्ट करेंगे तो और भी एफर्ट से पढ़ाएंगे, नहीं करेंगे तब भी पढ़ा तो जरूर रहे हैं, ठीक। तो लाइट, जो ये जितने भी लाइट सोर्स हैं, ट्यूब लाइट या एलईडी बल्ब या एनी अदर लाइट लाइटिंग डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती हैं, वो कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, ना वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती। दरअसल वो कर क्या रही होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही होती हैं लाइट एनर्जी में, प्रकाशीय ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को बदल रही होती हैं, उनको कहते हैं इलेक्ट्रिकल लाइटिंग डिवाइसेस। समझ में आ गई बात, अब आगे आते हैं। अब आते हैं, हमने लाइट की बात की और मैंने ये भी बता दिया, क्योंकि देखो जब मैं बोलता हूँ लाइट, कोई भी इंसान लाइट बोले तो मोस्टली लोगों के मन में वही ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब दिमाग में दम से उभर के आ जाते हैं सामने को। कहा केवल वही थोड़ी ना लाइट सोर्स है, देर आर टू मैनी लाइट सोर्स इन आवर वर्ल्ड। यहाँ बहुत सारे प्रकाश के स्रोत हैं बच्चों, बहुत सारे प्रकाश के स्रोत हैं। जैसे अब बात करते हैं हम कि प्रकाश कितने प्रकार का हो सकता है या प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो बोर्ड पर लिखा है इसको तो मैं समझा ही दूंगा, ये तो दरअसल लाइटिंग स्कीम्स हैं। लाइटिंग स्कीम का मतलब होता है पहले लाइट को जान लो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर लाइट को किस किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है उनके बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल लाइट को, स्पेशली इलेक्ट्रिकल लाइट को या इलेक्ट्रिकल लाइटिंग डिवाइसेस को किस किस तरीके से लगाया जाता है, कैसे कैसे ऑपरेटिंग होती है, वो सब इनमें एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दूंगा। अगले लेक्चर में इनको डीप डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बच्चों ये तो जान लो कि लाइट क्या होती है, वही बता रहा हूँ बस मैं। अगर आपको पता होता
तो नहीं बताते आप में से मोस्टली, बल्कि 99% लोगों को ये बातें कंप्लीटली नहीं पता हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, लाइट सोर्स या लाइट दो टाइप की होती है, नोट करते चलना, नोट्स बनाते चलो। अभी मैंने इस चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं, जैसे ही प्रिपेयर होंगे आपको चैप्टर ख़त्म होते होते आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो लाइट सोर्स या लाइट दो प्रकार की होती हैं, एक होती है नेचुरल लाइट और एक होती है, नेचुरल का अपोजिट क्या होता है साइंस में, जब हम बात करते हैं साइंस की, विज्ञान की, तो वहाँ पर प्राकृतिक का अपोजिट क्या होता है, कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल चीज़ें होती हैं जो हमें प्रकृति से नेचुरली मिल जाती हैं, नेचर से मिल जाती हैं, फिर उसके अपोजिट आती हैं आर्टिफिशियल थिंग्स। आर्टिफिशियल थिंग्स मीन्स जो चीज़ें मैन मेड हैं, जो चीज़ें इंसान ने बनाई हैं, उनको कहा जाता है आर्टिफिशियल थिंग्स। तो लाइट सोर्स भी दो प्रकार के हो गए, एक हो गया नेचुरल, एक हो गया आर्टिफिशियल। नेचुरल लाइट सोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ज़रा बताओ आप नेचुरल लाइट सोर्स क्या होते हैं। नेचुरल लाइट सोर्स जैसे कि सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही नेचुरल लाइट सोर्स कह सकते हैं हम। वैसे तो आप में से कुछ लोग ये तर्क उठाना पसंद करेंगे कि अरे चांद पे तो कोई रोशनी है ही नहीं, चांद तो खुद सूरज की रोशनी की वजह से हमको चमकता है। कोई बात नहीं, हम मान रहे हैं कि चांद आपका सूर्य की रोशनी की वजह से ही चमकता है, लेकिन रात में चांदनी, रात के समय में, रात्रि के समय, नाइट के टाइम में जो रोशनी हमको दिखाई देती है उसको क्या कहा जाता है, उसको चांदनी ही तो कहा जाता है, मतलब चांद की रोशनी ही तो कहते हैं। फैक्ट बाद में देखेंगे कि वो चांद, सूरज के आने वाले प्रकाश के कारण चांद हमको चमक रहा है, लेकिन है तो रोशनी चांदनी कह रहे, आ तो चांद सी रही है, इसलिए हम उसको चांद की चांदनी कह दे रहे हैं, या फिर दिन में सूरज की रोशनी कह दे रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि दिन के समय में तो सूरज की रोशनी से हम मोस्टली कामों को परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन रात के समय में हमें चांद की चांदनी में सभी कामों को सुगमता और सरलता पूर्वक करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि अगर दिन का भी समय है और सूरज से आने वाली रोशनी से अगर आपने अपने घर में वेंटिलेटर, जिसको रोशनदान बोलते हैं, अगर वो नहीं लगा रखे हैं अपने रूम में, तो आपके रूम में कैसे आएगी सूरज की रोशनी। और आज के टाइम में जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा करीब करीब में बन रही हैं, तो कैसे आप उस सूरज की रोशनी में काम कर पाते। इसीलिए, क्योंकि सूरज की रोशनी कमरे में तो अंधेरा ही हो जाएगा ना, तो वहाँ पर हम उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ रात के समय में चांदनी में तो कुछ ही काम ऐसे होते हैं जिनको हम सक्सेसफुली ऑपरेट कर पाते हैं, जैसे कि रास्ता। चलिए, चांदनी में रास्ता हमको थोड़ा दिख सकता है, लेकिन जब बात करते हैं रूम के अंदर बैठ के पढ़ाई करने की, दैट हाउ इज़ दिस पॉसिबल, तब आप ये कैसे करते हैं, नहीं कर सकते ना। दूसरी चीज़ कि जो सूरज से मिलने वाली रोशनी है, जो चांद से मिलने वाली रोशनी है, चांदनी है, उनमें कलर फिक्स हैं, उनको हम डिफरेंट टाइप के कलर की नहीं बना सकते, उनको हम स्टोर करके डेकोरेशन की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनमें क्लीननेस, स्वच्छता भी उतनी नहीं होती है। क्लियर ये वाली बातें? तो इन सब को देखते हुए ज़रूरत पड़ी इंसानों को दूसरे प्रकार की रोशनी की। अब वो दूसरे प्रकार की रोशनी क्या है? वो दूसरे प्रकार की रोशनी है कृत्रिम रोशनी, आर्टिफिशियल लाइट। अभी आर्टिफिशियल लाइट से तुरंत ये मत समझने लग जाना कि बस लाइट। तो गाइस, आज की क्लास में इतना ही, ये पार्ट वन है आपके लिए। अगली क्लास में आपको मैं इस पूरे लाइटिंग स्कीम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि लाइटिंग स्कीम में क्या क्या है, इंटीरियर आउट और एक्सटीरियर, इंडोर आउटडोर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट, ये सब मैं आपको समझाऊंगा इन डिटेल। और यकीन मानना यार, ये बहुत मज़े की क्लास होने वाली है। सब साथ में बताएंगे कि शादी ब्याह समारोह में किस प्रकार की लाइटिंग अरेंजमेंट किया जाता है, या स्टेडियम में, थिएटर में, इन सब जगहों पर किस प्रकार का लाइटिंग अरेंजमेंट किया जाता है, वो सबका एक बेसिक सा आइडिया दूंगा। बताया था कि सूरज की रोशनी से लेकर चांद की चांदनी तक किस किस प्रकार से हमको नीड होती है। लेकिन होता क्या है बच्चों, कि हम सारे काम सूरज की रोशनी में और चांद की चांदनी में नहीं कर सकते। चलिए, सूरज की रोशनी में तो मोस्टली काम कर लेंगे आप, लेकिन चांद की चांदनी में आप तो
बहुत ही कम काम कर पाएंगी। दूसरी चीज़ ये भी रहती है बच्चों कि सूरज की रोशनी में भी कहाँ सारे काम कर पाते हैं। अब बताओ, अगर आप अपने रूम में बैठे हो और आपने वेंटिलेटर नहीं लगा रखा है तो सूरज की रोशनी में कैसे आप काम कर पाएंगे। यही बात मैं अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर रहा था। तो इसीलिए इन सब परेशानियों को देखते हुए, चांद की चांदनी में ना काम कर सकते, इन सब परेशानियों को देखते हुए इंसान को, ह्यूमन को ज़रूरत पड़ी आर्टिफिशियल लाइटिंग सोर्स बनाने की। अब ये आर्टिफिशियल लाइटिंग सोर्स क्या होते हैं? तो आर्टिफिशियल लाइटिंग सोर्स होते हैं मेरे बच्चे एक ऐसे लाइटिंग सोर्स जो कि आपके इंसान द्वारा, आदमी द्वारा, ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं। वो आते हैं आपके आर्टिफिशियल लाइटिंग सोर्सेज के अंतर्गत। देखिए, जब मैं बोलूँ कि लाइट, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये घर में ग्लो करने वाली लाइटिंग आ जाती हैं। लाइट आपके दिमाग में आ जाती है एलईडी बल्ब, आपके दिमाग में आ जाती है ट्यूब लाइट, आपके दिमाग में आ जाता है बल्ब। लेकिन लाइट सिर्फ इन्हीं को थोड़े ना कहते हैं, ये तो लाइटिंग सोर्सेस हैं। वो लेक्चर ज़रूर देख लो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसका पार्ट वन है और आज ये पार्ट टू है लाइटिंग स्कीम का, चैप्टर नंबर थ्री है। और ऐसा नहीं कि केवल दो ही लेक्चर्स में सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, केवल इंट्रोडक्शन में दो लेक्चर लगेंगे इसके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो आर्टिफिशियल लाइटिंग सोर्सेज होते हैं, आपका दिया, जो घर में आपके दिया जलता है, वो भी आर्टिफिशियल लाइटिंग सोर्सेज के अंतर्गत आएगा। ओवरऑल अगर नेचुरली कोई लाइट नहीं जल रही है और आपके द्वारा बनाए हुए किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी डिवाइस से अगर लाइट जल रही है, तो वो सारे के सारे लाइटिंग रिसोर्सेस आपके आते हैं आर्टिफिशियल लाइटिंग सोर्सेस के अंतर्गत। क्लियर नहीं वाली बात? तो आर्टिफिशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? कृत्रिम बोलते हैं, कृत्रिम। तो कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत को कहा जाता है आर्टिफिशियल लाइटिंग सोर्स। जैसे कि एक दिया हो गया, लालटेन हो गई, पंचलाइट हो गई, आजकल लोग LPG का यूज़ करके भी रोशनी प्रोड्यूस करते हैं, वो हो गया। और फिर बाद में आते हैं आपके इलेक्ट्रिकल आर्टिफिशियल लाइटिंग सोर्सेस, विद्युत कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत। ये क्या होते हैं? ये सिंपल सी बात है कि जो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, वो आपके होते हैं इलेक्ट्रिकल आर्टिफिशियल लाइटिंग सोर्सेस, विद्युत कृत्रिम प्रकाशीय स्रोत, वो होते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो देखो, अभी बात यह है कि अगर आप कभी भी ध्यान रखना, एनर्जी जनरेट नहीं होती है। आइंस्टाइन का ऊर्जा सिद्धांत ये कहता है कि आप ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही तबाह कर सकते हो, ना ही बर्बाद कर सकते हो। तो एनर्जी को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित यानी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो डिवाइस हैं, ये जो लाइट सोर्स होते हैं, जैसे आपके ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ये कोई लाइट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। कभी आप बोल दो कि लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना, ये किसी एक प्रकार की एनर्जी को हमेशा दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सूरज को ले लें, जो सन है आपका, सूर्य, वो भी केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। उसके अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हो रहा होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से उसमें हाइड्रोजन के दो अणु मिल रहे होते हैं, फिर वो इतना ज़्यादा विस्फोट करते हैं कि इतनी ज़्यादा लाइट एनर्जी निकलती है, इतनी ज़्यादा आग निकलती है कि हमको यहाँ तक रोशनी आती है उसकी। क्लियर ये वाली बात? ऐसे मत सोचना कि हमेशा पूरे ब्रह्मांड में केवल एक प्रकार की एनर्जी को ही दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जब हम बात करते हैं लाइटिंग आर्टिफिशियल सोर्सेस की, तो आर्टिफिशियल सोर्सेस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं नेचुरल सोर्सेस के मुकाबले में। क्योंकि लेकिन नेचुरल सोर्सेस का हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर सकते, डिफरेंट कलर्स के शेड नहीं निकाल सकते, और आर्टिफिशियल सोर्सेस से हम डिफरेंट कलर्स के शेड निकाल सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं, एंड मैनी मोर। तो फंडा क्या है? फंडा ये है कि आर्टिफिशियल सोर्सेस के डिफरेंट लाइटिंग सोर्सेस को डिफरेंट जगहों पर अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यूज़ करना कहलाता है लाइटिंग स्कीम प्रकाशीय योजना। फिर से सुन लो कि द यूज़ ऑफ डिफरेंट लाइटिंग सोर्सेस एट डिफरेंट प्लेसेस टू फुलफिल द डिफरेंट पर्पस इज नोन एज लाइटिंग स्कीम। प्रकाशीय योजना वह योजना है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रकाशीय स्रोतों को विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। डेफिनेशन नोट कर लो, याद कर लो, समझ लो।
अब ये आर्टिफिशियल रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए कैसे, देखिए आर्टिफिशियल रिसोर्सेस को यूज़ करने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी वो है स्वच्छता, क्लीननेस। देखिए जितनी ज़्यादा लाइट होगी आपको चीज़ें उतनी ही क्लीन दिखती हैं, ये तो बात मानते हो नहीं। बोर्ड पे अगर यही लाइट आपको कम होती तो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ बिल्कुल भी साफ़ नहीं दिख रहा होता। फॉर एग्जांपल देखिए मैं लाइट बंद करके दिखाई देता हूँ आपको, आपको बिल्कुल भी साफ़ नहीं दिखेगा ये। फिर अभी देखिए मैंने लाइट बंद कर दी, आपको बोर्ड पे एकदम से गंदा दिखना लग गया होगा। फिर लाइट हमने ऑन कर दिए, अभी हो सकता है कि थोड़ा साफ़ दिखने लग गया हो, क्योंकि क्वालिटी बच्चों इतनी अच्छी नहीं है। फ़ोन से वीडियो बना रहे तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन तब भी कोशिश पूरी है, कंटेंट आपको हाई क्वालिटी का मिलेगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, तो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज की जो नीड है, जो इम्पोर्टेंस है, उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है क्लीननेस, स्वच्छता का। दूसरा आता है रंग वांछता, मतलब हम अपनी मर्जी का कलर चूज कर सकते हैं। और क्विक ऑपरेटिंग, इनको बहुत ही अति शीघ्र बंद किया जा सकता है और ऑन किया जा सकता है। सूरज को तो अगर रात में हमको काम करना है वेट करना पड़ेगा सुबह का, क्योंकि जब तक सूरज की रोशनी नहीं आती तब तक हम अगर केवल उसी रोशनी पर डिपेंड हैं तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए हमको वेट करना पड़ता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। तो आर्टिफिशियल लाइट के लाइटिंग सोर्सेस को अलग अलग तरीके से अरेंज करना कहलाता है लाइटिंग स्कीम। और लाइटिंग स्कीम हमारी दो प्रकार की होती हैं। लाइटिंग स्कीम समझ गए ना, लाइटिंग स्कीम मतलब कि लाइट के सोर्सेस को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अरेंज करना ताकि हम अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें, उनको हम लाइटिंग स्कीम कहते हैं। स्कीम का मतलब होता है योजना और लाइट का मतलब प्रकाश। तो सीधी सी बात है, किसी भी जगह में प्रकाश को फैलाने की योजना को प्रकाशीय योजना कहा जाएगा, सिंपल सा फंडा। टू अरेंज द लाइटिंग एट एनी प्लेस इज नोन एज लाइटिंग स्कीम। क्लियर सी बात है एकदम भैया, बिल्कुल छोटी सी बात। लाइटिंग स्कीम बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, एक होती है इंटीरियर लाइटिंग स्कीम, एक होती है एक्सटीरियर लाइटिंग स्कीम। अब ये इंटीरियर लाइटिंग स्कीम और एक्सटीरियर लाइटिंग स्कीम क्या होती है वो जान लो। देखिए जो इंटीरियर लाइटिंग स्कीम है वो आपकी रहती है, इंटरनल लाइटिंग स्कीम भी बोल सकते हैं इसको हम, इंटरनल लाइटिंग स्कीम भी बोल सकते हैं या फिर इंडोर लाइटिंग स्कीम भी बोल सकते हैं। इसको इंटीरियर लाइटिंग स्कीम को इंटरनल लाइटिंग स्कीम भी कहा जाता है और इंडोर लाइटिंग स्कीम भी कहा जाता है। एक्सटीरियर लाइटिंग स्कीम को एक्सटर्नल लाइटिंग स्कीम भी कहा जाता है और आउटडोर लाइटिंग स्कीम भी कहा जाता है। समझ में आ रही है बात इतनी? इंटीरियर मतलब अंदर, यानी कि भीतरी प्रकाश योजना लिखा भी है और बाहरी प्रकाश ही योजना लिखा भी है। तो इंटरनल मतलब जो किसी भी बिल्डिंग, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनली जब लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी, फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर जो लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जैसे कि इस कमरे में ये लाइट लगी है, वो लाइट लगी है, उस कमरे में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लाइट लगी हैं, उन लाइटिंग अरेंजमेंट को कहा जाता है इंटीरियर लाइटिंग स्कीम। वो जिस प्रकार से उसका अरेंज किया गया है उसको बच्चों हम कहते हैं इंटीरियर लाइटिंग स्कीम, इंटरनल लाइटिंग स्कीम, इंडोर लाइटिंग स्कीम, भीतरी प्रकाशीय योजना। समझ में आ गई बात? उसके बाद जब हमको किसी खुले मैदान में प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ गई, फॉर एग्जांपल मान लो कि हमको प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ रही है स्टेडियम में, किसी रोड पर, किसी शादी के समारोह में, तो वहाँ पर जब हमको लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है उसको कहा जाता है आउटडोर लाइटिंग स्कीम। क्या कहा जाता है? आउटडोर लाइटिंग स्कीम या फिर एक्सटीरियर लाइटिंग स्कीम या फिर एक्सटर्नल लाइटिंग स्कीम, ये उसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है जब हमको किसी खुले में या बाहर कहीं पर किसी शादी समारोह में, स्टेडियम में लाइटिंग का अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो बेसिकली हमारे दो प्रकार के लाइटिंग स्कीम हुए, कौन कौन से? इंटीरियर लाइटिंग स्कीम और एक्सटीरियर लाइटिंग स्कीम। अभी हम इंटीरियर लाइटिंग स्कीम के जो प्रकार होते हैं वो जान लेंगे, फिर हम एक्सटीरियर लाइटिंग स्कीम के जो प्रकार होते हैं वो जान लेंगे। और जैसे ही इंटीरियर और एक्सटीरियर लाइटिंग स्कीम के प्रकारों को हम समझ लेंगे, हमारा आज का लेक्चर भी ओवर हो जाएगा और आपके लाइटिंग स्कीम का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन और आइडिया आपको मिल जाएगा। क्लियर बच्चों? समझ में आ रही होगी आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिए पढ़ते हैं आगे कि इंटीरियर लाइटिंग स्कीम के प्रकार क्या होते हैं। इंटीरियर लाइटिंग स्कीम के प्रकार होते हैं आपके, सबसे पहला होता है डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, दूसरा होता है इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, थर्ड वन इज सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम,
सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम और जनरल लाइटिंग स्कीम। इनके हिंदी नाम सुन लो, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष प्रकाश योजना, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष प्रकाश योजना, और सेमी डायरेक्ट अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश योजना, और सेमी इनडायरेक्ट अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश योजना, और जनरल लाइटिंग स्कीम सामान्य प्रकाश योजना। क्लियर? बस अब बात आते हैं इनके यूजेस की, इनके अंदर डिस्क्रिप्शन क्या है। तो बच्चों ध्यान से सुन लेना, इनके अंदर डिस्क्रिप्शन क्या है। सबसे पहला है डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम प्रत्यक्ष प्रकाश योजना। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट सीधा। दरअसल इस प्रकार की जो लाइटिंग स्कीम का सिंबल होता है वो ये होता है, देखो ये वाला। इस सिंबल से ये ऐसी जो इस प्रकार की जो लाइट होती हैं ऐसे करके, वो सीधी सरफेस पर लाइट डालती हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर मूवीज़ में देखा होगा तो जैसे कोई ऑपरेशन थिएटर में लाइट जलती है ना, देखा है, या फिर एक टेबल के चारों तरफ खड़े होकर के लोग किसी प्रोजेक्ट को समझा रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो उस टेबल के ऊपर जो लाइट जल रही होती है वो ऐसी होती है दिखने में। दरअसल डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें लगभग 90 से 95% लाइट का जो भाग है वो सीधा कार्य स्थल पर पड़ता है, वर्किंग सरफेस पर पड़ता है। ये सीधा वर्किंग सरफेस पर, इसका 90 से 95% भाग इसका वर्किंग सरफेस पर पड़ जाएगा, और लगभग 5 से 10% भाग जो है वो बाकी के रूम में इधर उधर को फैलेगा। काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ हुई कि नहीं होता, लॉजिकल बात। ये होता है पूरा फंडा। तो डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम का एक ऐसा प्रकार जिसमें लाइट को डायरेक्टली वर्किंग सरफेस, फॉर एग्जांपल मान लो कि हमको यहाँ पर काम करना है, ये लाइट है, इसको ऐसे डाला जाएगा, तो ये आपकी डायरेक्टली वर्किंग सरफेस पर लाइट डाली जाती है, और इस प्रकार के लाइटिंग स्कीम को कहा जाता है डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम प्रत्यक्ष प्रकाश योजना। दूसरा प्रकार आता है बच्चों यहाँ पर इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम अप्रत्यक्ष प्रकाश योजना। ये इसका जस्ट उल्टा होता है, और इसका जो सिंबल है वो भी जस्ट, इसको अगर हम ऐसे उलट देंगे तो वो आपका इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम का सिंबल बन जाएगा। आप कहें तो मैं बना करके दिखाई देता हूँ, देखिए ऐसे करके, ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये सब मेरे को फैलती हुई लाइट जाएगी, ये आपका बन जाएगा इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम का सिंबल। और इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें लाइटिंग स्कीम का लगभग 20 से 30% हिस्सा ही वर्किंग सरफेस पर पड़ता है, और 70 से 80% हिस्सा पूरे रूम में फैल जाता है, पूरे उस जगह में फैल जाता है जिस जगह में काम कर रहे होते हैं। और ये इस प्रकार के इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम सिस्टम का जो यूज़ किया जाता है वो आपके मोस्टली थिएटर्स जैसी जगहों में किया जाता है। थिएटर सुने हो ना, सिनेमा थिएटर जहाँ पर मूवीज़ चलती हैं, वहाँ पर आप लाइट देखोगे, छत में लाइट लगी होती हैं और पूरे में उसकी रोशनी फैल रही होती है, मोस्टली पार्ट उसका सब में फैल के आ रहा होता है, बस वहीं पर आता है आपका इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम सिस्टम अप्रत्यक्ष प्रकाशीय योजना। आई होप कि आप समझ रहे होंगे बच्चों मेरी बात को। उसके बाद आते हैं हम अपने सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम पर। किस पर आते हैं? सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम पर। तो देखोगे ध्यान से कि सेमी डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम क्या होती है, इसको बोलते हैं हम अर्ध प्रत्यक्ष। इसमें क्या होता है बच्चे कि इसमें आधी लाइट तो लगभग सीधे वर्किंग सरफेस पर पड़ती है और आधी लाइट सब में फैल जाती है। होता क्या है इसमें कि लगभग आपके 30 से 40% जो लाइट है वो वर्किंग सरफेस पर पड़ती है, या फिर 50 से 60% बोल सकते हो जो वर्किंग सरफेस पर पड़ती है, और 30 से 40% वेस्ट हो जाती है इधर उधर, वेस्ट नहीं हो रही है वो भी, बस वो इधर उधर फैल जा रही है सब में। क्लियर? ये वाली बात। उसके बाद सेमी इनडायरेक्ट में जस्ट उल्टा है, इसमें 30 से 40 या फिर 20 से 30% लाइट सीधा सरफेस पर पड़ती है और बाकी की लाइट जो है वो पूरे रूम में फैल जाती है, पूरे हॉल में फैल जाती है। जो जनरल लाइटिंग स्कीम है, जनरल लाइटिंग स्कीम का तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि जो आपके घरों में डेकोरेशन के लिए लैंप यूज़ किए जाते हैं, ये वाले गोल गोल वाले लैंप देखे हो आपने, गोल गोल वाले लैंप जो देखे हैं वो होते हैं आपके जनरल लाइटिंग स्कीम का एग्जांपल। सीधा गोल गोल लटका दिया, बस सब में रोशनी, जहां इसका मन कर रहा है वहां रोशनी फैला रहा है, उसको कहते हैं जनरल लाइटिंग स्कीम। समझ में आ गई बात? जी, बहुत अच्छे।
बच्चों एक बात बता देता हूँ, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं हमारे चैनल की तो प्लीज़ चैनल को बाकी लोगों से भी शेयर करना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और क्लासेस अगर आपको लगता है कि नॉलेजफुल हैं तो बाकी सब लोगों से भी शेयर करके चलो। देखो बच्चों होता क्या है कि आपको अगर मैं यही सब बातें जो मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ अगर किसी एनिमेशन वीडियो के थ्रू बता रहा होता तो आप बहुत इंटरेस्ट लेते, लेकिन दिक्कत यह है कि एनिमेशन के थ्रू नहीं बता रहे हैं इसलिए आपका इंटरेस्ट इतना कम आ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे एक बात को ध्यान से सुन लो, एनिमेशन के थ्रू कभी पढ़ाई नहीं होती, एनिमेशन के थ्रू केवल मूवीज देखी जा सकती हैं। क्योंकि अगर एनिमेशन के थ्रू पढ़ाई हो रही होती तो स्कूल्स में बोर्ड नहीं लगे होते, स्कूल्स में फिर तो टीवी लगे होते या फिर क्लासेस थिएटर में चला करती। ऐसा नहीं है ना, क्लासेस थिएटर में भी नहीं चलती हैं और स्कूल में टीवी की जगह बोर्ड लगे होते हैं, ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट बोर्ड कोई भी हो बोर्ड होगा, जहां पर कि टीचर्स खुद से आपको लिख के समझाते हैं, डायग्राम बना के समझाते हैं, ना कि आपको फोटो दिखा के समझाएं। ऐसा इसलिए होता है ताकि आप भी लिखना और खुद से बनाना सीखो। एनिमेशन देख के आपके मन में देखी देखाई चीज़ों से कभी आप नहीं समझ सकते हो सकता है कि उसमें आपको मज़ा बहुत आए, लेकिन आप पढ़ना अगर सीख सकते हो केवल बोर्ड से सीख सकते हो। इसीलिए मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाता हूँ, वरना मैं आपको एनिमेशन वीडियो बना करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन और उसमें आप इंटरेस्ट भी बहुत लोगे, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। यूज़फुल अगर कुछ है तो वो ये बोर्ड वाली वीडियो हैं, बोर्ड वाली क्लासेस हैं। क्लास तो बोर्ड पर ही हुई है आज की आज तक, या कभी टीवी पर क्लास हुई है आपकी? अभी आप सोचोगे अरे सर स्मार्ट बोर्ड भी तो होते हैं। अच्छा ठीक है चलो, हम मान रहे हैं स्मार्ट बोर्ड भी होते हैं और स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई भी होती है क्योंकि वहाँ पर लिखना नहीं पड़ता। लेकिन बच्चे याद रखो, जब आप टीचर को लिखते हुए देखोगे वहाँ पर तभी आपके अंदर खुद से लिखने का मोटिवेशन आएगा। जब टीचर को आप बोर्ड पर डायग्राम बनाते हुए देखोगे तभी आपको भी डायग्राम बनाने का मोटिवेशन आएगा। आपने तो बना बनाया डायग्राम देख लिया तो आपको कहाँ से मजा आएगा डायग्राम बनाने में? कैसे पता लगेगा कि डायग्राम को कहाँ से शुरू करके और कहाँ बनाना है? चक्कर व्यू सुने हो ना, चक्कर व्यू? तो चक्कर व्यू में अगर आप फंस गए तो कैसे पता होगा? कोई ना कोई एक हिस्सा पकड़ना होता है ना, हिस्से को पकड़ के आखिरी हिस्से तक पहुंचते हो। तो डायग्राम बनाने के लिए भी तो शुरुआत और उसके तरीकों को सीखना पड़ेगा ना, और वो कब सीखोगे? वो तब सीखोगे जब टीचर्स भी आपके सामने डायग्राम बनाएंगे। एनिमेशन में क्या होता है, जो वीडियो आप देखते हो जिनमें बड़ा मजे से इंटरेस्ट लेते हो आप, उनमें क्या होता है कि बस पहले से बना बनाया डायग्राम है, बस आपको एक्सप्लेन कर दिया मुँह से और आप खुश, क्योंकि पीछे से बड़ा अच्छा दिख रहा है इसलिए आप खुश हो जाते हो। लेकिन बच्चों ध्यान रखो, पढ़ाई आज तक अगर हुई है तो सिर्फ बोर्ड और पेन पेपर की हेल्प से हुई है। स्मार्टनेस अच्छी चीज़ है दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड बहुत अच्छी चीज़ है, वरना तो आप ये क्लास नहीं देख रहे होते मेरी, और मेरा ये बोलना व्यर्थ चला जाता। लेकिन इतना ज़्यादा डिजिटलाइज भी मत हो जाना कि भूल जाओ कि बोर्ड पर भी पढ़ना होता है या पेन पेपर पर भी लिखना होता है। समझ गया आप बात को? चलिए अब बढ़ते हैं अपने हम एक्सटीरियर लाइटिंग स्कीम की तरफ, बाहरी प्रकाशीय योजनाएं। मैंने अभी आपको बताया कि एक्सटीरियर लाइटिंग स्कीम का मतलब होता है अगर हमको किसी आउटडोर किसी बाहरी जगह में अगर लाइटिंग स्कीम फैलानी पड़ गई, किसी लाइटिंग का यूज़ करना पड़ गया, तो उसको हम कहेंगे एक्सटीरियर लाइटिंग स्कीम या फिर एक्सटर्नल लाइटिंग स्कीम और आउटडोर लाइटिंग स्कीम। समझ में आ गई इतनी बात? उसके बाद ये जो दो प्रकार की होती हैं बेसिकली, एक होती है फ्लड लाइटिंग टाइप, दूसरी होती है पब्लिक हाईवेज लाइटिंग स्कीम। फ्लड का मतलब क्या होता है? आप में से बहुत से लोग फ्लड का मतलब जानते हैं। फ्लड का मतलब होता है हिंदी में बच्चों बाढ़। जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी की बाढ़ आती है ना, उसको कहा जाता है फ्लड। दरअसल यहाँ पर हमको रोशनी की बाढ़ लानी है, मतलब इतनी ज़्यादा रोशनी कर देना कि लगे कि रोशनी की बाढ़ आ गई है, उसको कहा जाता है फ्लड लाइटिंग स्कीम्स। फिर से सुन लो, फ्लड लाइटिंग स्कीम ऐसी लाइटिंग स्कीम होती हैं जिसमें रोशनी को इतना ज़्यादा कर दिया जाता है लगता है कि रोशनी की बाढ़ आ गई है, उसको कहा जाता है आपकी फ्लड लाइटिंग स्कीम्स। फ्लड लाइटिंग स्कीम हमारी पांच प्रकार की होती हैं। पहली होती है डेकोरेटिव लाइटिंग स्कीम, बताएंगे मतलब, एडवर्टाइजिंग लाइटिंग स्कीम, डोमेस्टिक लाइटिंग स्कीम, इंडस्ट्रियल लाइटिंग स्कीम, कॉमर्शियल लाइटिंग स्कीम। नाम सुन लीजिए फिर से, डेकोरेटिव लाइटिंग स्कीम में क्या होता है सुन लीजिएगा। डेकोरेशन सुने हो ना, सजावट साज सज्जा सुने हो सब कुछ, तो डेकोरेटिव लाइटिंग स्कीम के अंतर्गत किसी शादी समारोह में यदि किसी मैदान को सजाना है, किसी हॉल को नहीं, अगर हॉल को सजाना पड़ेगा तो वो इंटरनल
लाइटिंग स्कीम के अंतर्गत आएगा। हम बात कर रहे हैं बाहर जो पंडाल लगाए जाते हैं, अगर उनमें भी तो बहुत हाई क्वालिटी की फ्लड लाइटिंग स्कीम की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसीलिए जब उनमें बहुत ही हाई क्वालिटी की फ्लड लाइटिंग स्कीम की जरूरत पड़ती है तो उसको कहा जाता है डेकोरेटिव लाइटिंग स्कीम। और डेकोरेटिव लाइटिंग स्कीम केवल किसी शादी समारोह से ही संबंधित नहीं है बच्चों, डेकोरेटिव लाइटिंग स्कीम जो होता है वो शादी समारोह के साथ साथ आपका क्रिकेट स्टेडियम, स्टेडियम में क्रिकेट मैच होते हैं ना, तो जो स्टेडियम में क्रिकेट मैच होते हैं वहाँ पर भी आपकी डेकोरेटिव लाइटिंग स्कीम सिस्टम यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी रोशनी की बाढ़ लानी होती है, रोशनी को पूरी तरह से फैला दिया जाता है ताकि ईच एंड एवरी पॉइंट को क्लियरली देखा जा सके। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चे, क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे जेई के आने वाले एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि क्रिकेट स्टेडियम में किस प्रकार के लाइटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, तो आप जो है बेझिझक बोल दीजिएगा कि क्रिकेट स्टेडियम में फ्लड लाइटिंग टाइप लाइटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। किसका? फ्लड लाइटिंग का। तो जो क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पर कौन सी लाइटिंग यूज़ की जाती है? वहाँ पर यूज़ की जाती है प्यारे बच्चों फ्लड लाइटिंग। कौन सी लाइटिंग? फ्लड लाइटिंग। तो फ्लड लाइटिंग सिस्टम जो है आपका, मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी देने वाला सिस्टम आपका यूज़ किया जाता है क्रिकेट स्टेडियम्स और बाकी सारी जगहों पर भी। डेकोरेटिव लाइटिंग स्कीम हो गया। अब आते हैं हम अपने दूसरे लाइटिंग स्कीम पर, जो कि है आपका एडवर्टाइजिंग लाइटिंग स्कीम। एडवर्टाइजिंग लाइटिंग स्कीम, एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में विज्ञापन बोलते हैं, एडवर्टाइज एड्स जो होते हैं। तो मान लीजिए कि जब आप आजकल तो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, हर एक दुकान के बाहर रात को उसके बोर्ड से, उसके नाम से बोर्ड चमकता रहता है, जगह जगहों पर सड़कों पर होर्डिंग्स लगे रहते हैं, बिल्डिंग्स पर लाइटिंग फ्लेक्सी लगाई जाती हैं, उनको कहा जाता है आपका एडवर्टाइजिंग लाइटिंग स्कीम। ओवरऑल लाइटिंग का एक ऐसा प्रकार जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु, किसी उत्पाद का, किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो, आएगा आपका एडवर्टाइजिंग लाइटिंग स्कीम के अंतर्गत। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं बाहर किसी हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लगा है ये हॉस्पिटल ये सब फैसिलिटी के साथ रात को चमकता रहता है, तो इस प्रकार की लाइटिंग स्कीम में जो है वो आपकी एडवर्टाइजिंग लाइटिंग स्कीम आती है। क्लियर ये वाली बात? डोमेस्टिक लाइटिंग स्कीम। डोमेस्टिक का मतलब होता है बच्चों घरेलू। अभी अगर हम घर के अंदर की वायरिंग करेंगे, सॉरी घर के अंदर की लाइटिंग की बात करेंगे, तब तो यार इंटरनल वायरिंग में आना चाहिए, फिर हम यहाँ पर इसको एक्सटर्नल वायरिंग में क्यों पढ़ रहे हैं? लॉजिकल यही सब बातें हैं जो दिमाग में उठनी चाहिए तुम्हारे यार, अलग से थोड़ी ना कोई क्वेश्चन उठते हैं। यहीं से क्वेश्चन रेस किया करो, यहीं से क्वेश्चन पूछा करो भाई कि डोमेस्टिक लाइटिंग स्कीम का मतलब घरेलू प्रकाश योजना। जब घर के अंदर की लाइट की या घर के बारे में बात की जा रही है फिर तो घर के अंदर लाइट जलाएंगे, और जब घर के अंदर लाइट जलाएंगे तब तो इंटरनल में आना चाहिए, तो फिर ये डोमेस्टिक एक्सटर्नल में क्यों डाल रखा है सर ने? तो इसके पीछे का लॉजिक, ये क्वेश्चन रेस किया करो यार, क्वेश्चन पूछा करो भैया, जब तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठेगा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। कभी सोच के बैठे हो आप, यहाँ से क्वेश्चन उठना जरूरी है, यहाँ से जाओ, ऐसे क्लासेस लेते रहो पूरी जिंदगी, क्लास लेते रह जाओगे, ऐसे एक भी अक्षर का ज्ञान नहीं ले पाओगे कभी भी। क्लास पढ़ते हो ध्यान से पढ़ा करो, वरना मत पढ़ा करो, समझ गए आप? क्लास को ध्यान से पढ़ोगे तभी कुछ हासिल है, ध्यान ज्ञान लो यार, जब क्लास लेकर टाइम बर्बाद कर ही रहे हो तो पूरा सीखा करो बात को। तो डोमेस्टिक लाइटिंग स्कीम जो है वो दरअसल घरेलू लाइटिंग स्कीम में ही आती है, लेकिन अंदरूनी में नहीं। जैसे घर के बाहर आंगन में अगर हमको किसी प्रकार का कोई फंक्शन अरेंज करना पड़ गया, जैसे कि होली दिवाली के फंक्शन होते हैं, होते हैं ना होली दिवाली के फंक्शन होते हैं, तो या फिर लोहड़ी का, ये सब फंक्शन होते हैं, तो इन सब फंक्शनों में भी तो लाइटिंग अरेंजमेंट अच्छा करना पड़ता, नहीं करना पड़ता है? लॉजिकल बात है कि नहीं बताओ? तो जब आपका होली दिवाली जैसे फंक्शनों में, लोहड़ी जैसे फंक्शनों में लाइटिंग अरेंजमेंट जो अच्छा किया जाता है, बाहर आंगन में किया जाता है या किसी खुले मैदान में किया जाता है घर के बाहर, उसको वो सब आते हैं आपके डोमेस्टिक लाइटिंग स्कीम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? डोमेस्टिक लाइटिंग स्कीम के अंतर्गत आते हैं, समझ लो यार। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, पंखा फैन बंद करके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, क्लास लेते हैं आपकी गर्मी में भी, और इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी, इस गंभीर संकट की घड़ी में भी आपके लिए सारी क्लासेस अवेलेबल करा रहा हूँ इतने अच्छे से, तब भी आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हो। पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ,
ये सब ज्ञान की बातें हैं, जाओ डिप्लोमा पास कर लो, ज़िंदगी भी गुजर जाएगी आपकी ऐसी, कोई दिक्कत नहीं है। आप मत सीखो ये सब, तब भी ज़िंदगी गुजरनी है, ज़िंदगी गुजरेगी हर किसी की, चाहे आप हो चाहे कोई और इंसान, चाहे वो ये सब बातें पता करे चाहे वो ना पता करे, ज़िंदगी हर किसी की गुजरनी है। अब डिसाइड यू, आपको डिसाइड करना है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, बिना पता किए या पता किए। जब हमें चीज़ें पता होती हैं तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, तो वो जो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है वही आपको भीड़ से अलग बनाता है। समझ गए आप बात, तो चाहते हो ना भीड़ से अलग बनना, तो सीख लो पढ़ना, बगैर पढ़े तो कुछ होने वाला है नहीं यहाँ दुनिया में कहीं भी। चलिए, इंडस्ट्रियल लाइटिंग स्कीम के अंतर्गत, कॉमन सेंस की बात है, इंडस्ट्री में जो लाइटिंग स्कीम अरेंजमेंट किया जाता है वो आपका इंडस्ट्रियल लाइटिंग स्कीम के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपने देखा होगा फैक्ट्री की इतनी ऊंची ऊंची छत होती हैं, वहाँ से लाइटिंग अरेंजमेंट किया जाता है मशीन्स के, ताकि हर एक मशीन पर प्रॉपर लाइट रह सके, वरना काम में गड़बड़ हो जाएगी, माइनर माइनर से कंपोनेंट लगाने होते हैं, दिक्कत ना पड़ जाए, इसके लिए जो लाइटिंग अरेंजमेंट होता है वो इंडस्ट्रियल लाइटिंग स्कीम के अंतर्गत आता है बाहर वाला। जैसे कि मान लो कि आप बाहर फैक्ट्री के बाहर का हिस्सा, वो सब चीज़ें जो हैं। कमर्शियल लाइटिंग स्कीम के अंतर्गत क्या आता है, दुकानों के बाहर, मार्केट्स में दुकानों के बाहर जो लाइटिंग स्कीम अरेंजमेंट किया जाता है वो आपका कमर्शियल लाइटिंग स्कीम के अंतर्गत आता है, या फिर किसी भी और व्यावसायिक स्थान पर, किसी भी और कमर्शियल प्लेस पर जो लाइटिंग स्कीम सिस्टम अप्लाई किया जाएगा वो आपका कमर्शियल लाइटिंग स्कीम के अंतर्गत आएगा। क्लियर ये वाली बात बच्चों? ये तो थे आपके फ्लड लाइटिंग टाइप, जहाँ पर लाइट की हमें रोशनी की बाढ़ ला देनी होती है। दूसरा जो आउटडोर लाइटिंग स्कीम का प्रकार है वो है पब्लिक हाईवेज लाइटिंग स्कीम। मतलब हाईवे का मतलब समझ गया, पब्लिक का मतलब तो होता है यही जनता या लोग, और हाईवेज का मतलब सड़कें होती हैं, हाईवेज समझ गया आप। तो ऐसी लाइटिंग स्कीम का ऐसा प्रकार जो सड़कों वगैरह पर यूज़ किया जाता है आपका आता है पब्लिक हाईवेज लाइटिंग सिस्टम के अंतर्गत। ये बेसिकली मुख्य रूप से केवल दो ही प्रकार के होते हैं, ये वाले दोनों, रोड लाइटिंग सिस्टम और स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम। बाकी भी हैं, बाकी सबके भी नाम सुन लीजिए, मार्केट लाइटिंग सिस्टम, फोर बेज लाइटिंग सिस्टम और रेलवेज लाइटिंग सिस्टम। मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा, लेकिन दो मेन इंपॉर्टेंट हैं। रोड पर जो लाइटिंग अरेंजमेंट किया जाता है उसको रोड लाइटिंग सिस्टम कहते हैं। आपने देखा होगा रोड पर आपकी रोड लाइट्स लगी रहती हैं, जो कि रोड पर रोशनी को प्रोवाइड कराती रहती हैं, ताकि वाहनों के आवागमन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, या फिर चलने में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके लिए रोड लाइटिंग स्कीम्स फॉलो की जाती हैं। गलियों में जो लाइटिंग स्कीम फॉलो की जाती हैं उनको स्ट्रीट लाइटिंग स्कीम कहा जाता है। मार्केट्स में जो लाइटिंग स्कीम फॉलो की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, मार्केट लाइटिंग स्कीम कहा जाता है। जैसे आपके किसी मेले वेले का आयोजन किया जा रहा है तो वहाँ पर भी तो टेम्परेरी लाइटिंग स्कीम का आयोजन किया जाएगा ना, तो वो टेम्परेरी लाइटिंग स्कीम जो आपकी मेले वगैरह में यूज़ की जाती हैं वो आपकी होती हैं मार्केट लाइटिंग स्कीम के अंतर्गत आ जाती हैं सारी की सारी। उसके बाद आती हैं आपकी फोर बेज लाइटिंग स्कीम, ये भी रोड का एक प्रकार है फोर बे। रेलवेज, सिंपल सी बात है, रेलवे में जो आपकी लाइटिंग स्कीम यूज़ की जाती हैं वो आपकी रेलवेज लाइटिंग स्कीम के अंतर्गत आती हैं। समझ में आई बात? तो ये लाइट के अंतर्गत, लाइट केवल लाइट को लेकर के फिर से मैंने लगभग 15 से 20 मिनट का लेक्चर सुना दिया आपको, और उसके बाद इससे पहले भी इसका पार्ट वन जो था वो भी 15 से 20 मिनट का था, जो जिसमें केवल लाइट को ही समझाया गया है। और आने वाले इस पूरे चैप्टर के लगभग अभी 4 से 5 लेक्चर और होंगे, उनमें भी केवल लाइट को ही डिस्कस किया जाएगा। अभी ये आपके ऊपर है कि आप लाइट को कितने विस्तार से जानना चाहते हो, और आप जो 11th और 12th में 10th में जो लाइट पढ़ के आए हो उसका बस केवल छोटा सा पार्ट यहाँ लेकर आ रहे हैं हम, वो सब तो लेके ही नहीं आ रहे। जो मिरर हैं, जो लेंसेज हैं, कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, वो सब तो हम लेके ही नहीं आ रहे। यहाँ तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी का कन्वर्जन मुख्य रूप से सीख रहे हैं। यहाँ पर हम बस ये सीख रहे हैं कि लाइट जो है वो जलती किस प्रकार से है, लाइटिंग जो स्कीम है वो किस किस प्रकार से हो सकती हैं, किसी कमरे में कितने लाइट सोर्सेस की ज़रूरत पड़ सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सोचो कि अगर वो 10th 12th और जो 11th का भी ले आते हम तो कितना भारी पड़ जाता है, लेकिन उसे पढ़ के आगे उसको दोबारा नहीं पढ़ाना है, उसके आगे का अब हम पढ़ना शुरू करेंगे।
ठीक है ना ये वाली बात। तो लाइट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा और आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर क्लास अच्छी लगी है बच्चों तो क्लास को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, दिए गए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लिक करो, उसमें आपको ग्रुप ज्वाइन करने के बाद नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ बच्चों ये आदत, ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दो कि ग्राफिक्स से अच्छी पढ़ाई होती है, स्मार्ट बोर्ड से अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छी पढ़ाई कभी हो सकती है तो केवल बोर्ड से हो सकती है जहाँ पर टीचर्स खुद आपको लिख करके बताते हैं, केवल वहीं से अच्छी पढ़ाई हो सकती है। स्मार्ट बोर्ड वगैरह से कभी भी अच्छी पढ़ाई हो सकता है आपका थॉट हो, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं और जहाँ पर हमको बनी बनाई चीज़ें मिल जाएँ आपको कभी बनानी नहीं आ सकती। आपको बना बनाया खाना जब तक मिलता रहेगा आप खाना बनाना कभी नहीं सीखोगे, उसके लिए आपको खाना बनाना पड़ेगा और खाना बनाते हुए देखना पड़ेगा। आपके सामने तो हम डिश तैयार करके ला के रख दें, कैसे पता लगेगी फिर? तो डायग्राम बनाने आपके सामने पड़ेंगे तभी आप सीख पाओगे, बताना पड़ेगा आपको कि यहाँ से हट के बाबू यहाँ पे जाते हैं, ऐसे करते वैसे करते, तभी आप समझ पाओगे। तो बाकी आपका मन है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो एनिमेशन क्लासेस से ज़्यादा आपको बोर्ड की क्लासेस को प्रेफरेंस देना चाहिए जहाँ पर बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। बाकी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों, अभी आपका ये फ़र्ज़ है कि आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए और पढ़ाई पूरे मन लगा के करिए। और हर एक बच्चे तक जो पॉलिटेक्निक पढ़ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो उस तक क्लासेस को पहुँचा दो, जिससे कोई भी इस संकट की घड़ी में पढ़ाई से वंचित ना रह जाए। और एक मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ कि आपसे किसी भी नोट्स के लिए या किसी भी क्लास के लिए किसी भी प्रकार का कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, ये गारंटी है। नोट्स की क्वांटिटी, नोट्स का कंटेंट A1 क्वालिटी का है, बहुत ही हाई क्वालिटी के नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, आप लोग देख लेना। आप जब नोट्स पढ़ेंगे, जो मैं आप सबको नोट्स दे रहा हूँ वो बहुत ही हाई क्वालिटी के नोट्स हैं। क्लासेस में वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो हो सकती है, कंटेंट की क्वालिटी अपर लेवल की है, ये बात आप खुद से डिसाइड कर लो। क्लासेस अच्छी लगती हैं तो शेयर करो गाइस, पढ़ाई करो अच्छे से, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखो। अगर घर से बाहर निकलो तो मास्क लगा के ही निकलो और पढ़ाई करते रहो, अच्छे से रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी। थैंक यू।